देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इस बात की घोषणा की है कि 30 दिन का लॉकडाउन जो है वो और रहेगा, उसके बाद से जो सिचुएशन है वो शायद वो पूरी तरीके से। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। और उस गंभीरता से नहीं ले रहे। लोगों को पहले ये लग रहा था कि 31 तक की लॉकडाउन राजस्थान सरकार ने जैसे किया है तो उसके बाद में 1 अप्रैल से पूरा प्रदेश खुल जाएगा, जो दिनचर्या है वो वापस से उसी तरीके की शुरू हो जाएगी जैसे पहले चला करती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया 21 दिन और बढ़ाने का, तब से लोगों ने अब घरों के अंदर सामान को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। लोग जो किराने का सामान है उसको अब 21 दिनों का लेकर अपने घर के अंदर स्टॉक कर रहे हैं, और इसी के चलते अब ये बाजार के अंदर जो भीड़ है वो नजर आ रही है। लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, किस वजह से इतनी भीड़ आप लगा रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि हम आगे अगले 15 दिन का सामान लेने के लिए आए हैं, 10 दिन का सामान लेने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ग्राउंड पर भी बहुत समझाइश की है, लोगों को समझाया हमने कि ये जो फैसला सरकार ने इस वक्त लिया है ये आप घर में ही रहने का लिया है। आपका राशन, आपकी जो दूध का सामान है आपका, या मेडिकल का जितना भी आपका दवाइयां हैं, ये कुछ भी आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इन सभी जरूरी जो आवश्यकता की चीजें हैं इनका आपको संग्रहण करने की जरूरत नहीं है, इनको स्टॉक करने की आपको इस वक्त जरूरत नहीं है। लेकिन लोग फिर भी उस चीज को मानने को तैयार नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि सरकार ना जाने कौन सा फैसला कब ले ले, इसीलिए यही डर उनके अंदर इस वक्त बैठा हुआ है, और इसी के चलते दुकानों के ऊपर भीड़ देखने को मिल रही है, और इसका असर अजमेर के कई इलाकों में भी हमको देखने को मिल रहा है। तस्वीरें ये बयां करती हैं कि पुलिस सख्ती बरत रही है, लेकिन वो सख्ती कितनी असरकारक हो रही है ये भी आपको नजर आ रही है। शहर के कुछ इलाकों से जो पुलिस की सख्ती है वो काबिले तारीफ वाली आ रही है, वहां पर लोग इस तरीके से इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दुकानों के बाहर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन दुकानों के पास में, यानी कि जब भी सरकार ने सबके साथ समझाइश की है, प्रशासन ने समझाइश की है, सबसे अपील की है कि जब भी कोई सामान खरीदने के लिए भी आता है तो 1-1 फीट की दूरी पर खड़ा रहे, मुंह पर मास्क बांध कर आए, घर जाकर सैनिटाइज करे, दुकान पर सैनिटाइज रखे। लेकिन ये दुर्भाग्य है और घोर लापरवाही भी है कि यहाँ पर जब दुकानों पर लोग आ रहे हैं तो उनके पास ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर जब दुकान पर खड़े होते हैं तो लोग अपने मास्क को नीचे कर लेते हैं, सैनिटाइजर उनको किया नहीं जाता है, और उसके साथ में पुलिस सख्ती की एक सीमाएं भी यहाँ पर नजर आ रही है। कितनी सख्ती बरती जाएगी ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। हालांकि पुलिस अपनी ओर से कोशिश लगातार शहर में कर रही है, जो अनावश्यक लोग दिखाई दे रहे हैं शहर के अंदर निकल रहे हैं उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही है। अब सीधे तौर पर सिर्फ गाड़ी जब्त करके उनको कहा जा रहा है कि आप अपने घर जाइए। प्रशासन एक अपील सभी से कर रहा है, सरकार साफ तौर पर कह रही है कि आपके आवश्यक जरूरत की जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, सामान को हर हालत में आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, राशन की जो व्यवस्था होगी वो भी पूरी की जाएगी, यानी कि आपके पड़ोस की जो दुकान है, आपके वार्ड में जो दुकान है, मोहल्ले में जो दुकान है, वहां तक कम सामान को पहुंचाएंगे। लेकिन जनता को ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी बड़ी बनी हुई है। सरकार के लिए यही एक बड़ी दिक्कत की बात है कि लोगों को घर पर ही रोके रखना एक बड़ी चुनौती इस वक्त नजर आ रही है। और जरूरी ये भी है कि अब सख्ती जो है, मुझे लगता है, ऐसा लगता है हम लोगों को, जैसा कि हम कल रात से देख रहे हैं तस्वीरों को, कल रात से जब हम दफ्तर से वापस घर की ओर जा रहे थे तो हमको रास्ते में बहुत सारी जगह पर ऐसा दिखाई दिया कि लोग पैनिक होकर परचून की जो किराना की जो दुकान होती है वहां पर आकर इकट्ठा होने लग गए थे, झुंड वहां पर बनने लग गए थे। तो ऐसे में जरूरी ये है कि अब सरकार और सख्ती बरते, और सख्ती बरतने के साथ में शायद स्थिति जो है वो कानून की कड़ाई से पालना की है, यानी कि सीधा FIR दर्ज करने वाली स्थिति यहाँ पर हो गई है। गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, कुछ इस पे कंट्रोल हुआ है, लोगों के समझ में आया है, लेकिन फिर भी अगर लोग अगर इस तरीके से निकलते रहे, जमा होते रहे, नहीं माने, तो मुझे लगता है कि प्रशासन को बहुत कड़ाई से पालना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जो VC की थी उसमें देर शाम से जो रिपोर्ट हमारे पास आया था, इनपुट जो आया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट आदेश कलेक्टर और SP को दिए हैं कि कड़ाई से पालना की जाए। प्रदेश की जनता को एक बार फिर उन्होंने एक चेतावनी के तौर पर कहा है कि अगर लोग नहीं मानेंगे
अपनी सेहत के बारे में लापरवाही बरतेंगे, इस तरीके से अगर चलता रहेगा, लोग अगर इस तरीके से जमा होते रहेंगे, बाहर निकलते रहेंगे, तो उनको मजबूरन पत्थर दिल पे पत्थर रखकर उनको एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और प्रदेश के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। और कर्फ्यू के जो हालात होते हैं वो प्रदेश के जो लोग इस वक्त बाहर निकल रहे हैं उनको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, फिर जो स्थिति हो जाएगी उसमें तकलीफ प्रदेशवासियों को होगी। तो जरूरी यह है, एनडीटीवी इंडिया भी अपील आप लोगों से करता है कि अपने घर पर रहिए, अपने पड़ोस की दुकान पर जाकर सामान को ले आइए, पैदल जाकर ले जाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप व्हीकल को लेकर मत जाइए, पैदल ही जाइए, और जो आपको सामान लाना है, दूध का सामान लाना है, परचूनी का सामान लाना है, वो आप पैदल जाके ले आइए। लेकिन देखिए, एक यहाँ पर एक बात ये भी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हिंदुस्तान में, राजस्थान में बात अगर हम करें तो हर मकान के अंदर तकरीबन अभी एक महीने का राशन तो लोगों के पास में है, यानी कि खाने के अंदर इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा तरीके से खाना मुझे लगता है कि नहीं खाना चाहिए लोगों को, एक सोच के खाना चाहिए। घर में जो बनने वाली सब्जियां हैं लोगों को इस समय उनका उपयोग करना चाहिए, घर में जो सब्जियां बन सकती है वो उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उनके जो बच्चे हैं या उनके जो बड़े हैं वो घर से बाहर ना निकले किसी सामान को परचूनी तक लेने जाने के लिए। तो सहूलियत और लापरवाही में कोशिश आम जनता को यही करनी चाहिए कि वो बाहर ना निकले। एनडीटीवी इंडिया यही अपील बार बार आपसे कर रहा है, प्रशासन यही अपील आपसे कर रहा है कि आप घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, अन्यथा पुलिस को सख्ती बहुत ज्यादा बरतनी होगी, कानून की कड़ाई से पालना करवानी पड़ेगी। जो धारा 144 टूटती हुई नजर आ रही है उसके ऊपर सख्ती बरतनी पड़ेगी उनको, और कहीं ना कहीं जब सरकार अगर इस तरीके से लोग अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो सरकार को मजबूरन कर्फ्यू ऐसी स्थिति पर भी जाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।